हाई एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होगी शारदा के घर वापसी के साथ, जहाँ पर सारांश वसुधा के साथ खेल रहा होगा और शारदा को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसे गले लगा कर के दादी का वेलकम करेगा। यहाँ पर सारांश पूछेगा कि आप ठीक तो हैं, शारदा भी सारांश को कहेगी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वहीं पर वसुधा भी शारदा की काफ़ी अच्छे से केयर करेगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। यहाँ पर प्रशा शारदा को बोलेगी कि माँ आप ठीक फील कर रही हैं या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। यहाँ पर शारदा और वसुधा आपस में बात करते हैं और कहते हैं डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए ये भी है। यहाँ पर वसुधा कहती है कि मैं एक्चुअली सारांश को ट्यूशन छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन फिर इसने बोला मैं दादी से मिलकर ही जाऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मिलूँ, फिर ही चलते हैं, चलो सारांश कोचिंग चलते हैं। प्रिशा सोचती है अपने मन ही मन में कि अगर सारांश और प्रिशा एक ही कार में जाएं ट्यूशन तो शायद इन दोनों का बॉन्ड अच्छा हो सकता है। वो कहती है कि माँ आप माँ के पास रहिए, मैं सारांश और अनवी को एक साथ कोचिंग ले जाती हूँ। और सारांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि प्रिशा उसे छोड़ने जा रही है। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष शारदा वसुधा बात कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर रुद्राक्ष के जो कॉन्सर्ट वाले ओनर है मिस्टर आहूजा, वो आएंगे और कहेंगे कि रुद्राक्ष तुम्हें अब तैयारी करनी है, तुम्हें कल ही शिमला के लिए निकलना होगा, तुम्हारे कॉन्सर्ट में परमिशन मिल गई है, तुम्हारे शो के सारे टिकट फुल हो चुके हैं, सभी ने सेल कर लिए हैं और यहाँ पर तुम्हें अब एक महीने के लिए अपने कॉन्सर्ट पर ही ध्यान देना होगा और इसके लिए तुम्हें कल ही निकलना है। रुद्राक्ष कहता है लेकिन कल ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मिस्टर आहूजा रुद्राक्ष को फोर्स करते हैं लेकिन रुद्र नहीं मानता। शारदा यहाँ पर कहती है कि जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी ये तुम्हारा कमबैक है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जाना चाहिए। शारदा और वसुधा दोनों मिलकर यहाँ पर कहते हैं कि हाँ तुम जाओ, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। वसुधा कहती है GPS चेन्नई गए हैं, मैं यहाँ पर रुक कर शारदा बहन जी का ध्यान रखूँगी, सारांश को भी देख लूँगी और प्रिशा की भी कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों मिलकर रुद्र को फोर्स करते हैं और फाइनली रुद्राक्ष हाँ कह देता है और बोलता है कि ठीक है मैं कल निकल जाऊंगा शिमला के लिए। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा अनवी और सारांश को कोचिंग छोड़ने जाती है और जैसे ही वो रोकती है कार कोचिंग के बाहर, वो सोचती है कि इन दोनों ने तो एक दूसरे से पूरे रास्ते कोई बात ही नहीं की है, ऐसे कैसे इन दोनों की दोस्ती होगी। सारांश कार में निकल कर पहले चला जाता है और प्रिशा अनवी को रोकती है और कहती है कि अच्छे से जाना और सुनो, सारांश अपना ये टिफ़िन भूल गया है, क्या तुम उसे दे दोगी। प्रिशा की बात सुनकर अनवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, आप खुद दे देना। प्रिशा अनवी का ये बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच में आखिर कैसे दोस्ती होगी। जैसे ही अनवी कोचिंग जा रही होती है, वहाँ पर अनवी से कुछ बड़े लोग उसे परेशान करने लगते हैं और उसके बाल बिगाड़ते हैं। सारांश ये देखता है और सोचता है कि मेरी बहन को ये क्यों परेशान कर रहे हैं और वो प्रिशा को जाकर बताता है, दौड़ता है और कहता है कि मम्मा देखो वो कुछ बड़े भैया अनवी के साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, आप चलो चलकर उन्हें डांटो। प्रिशा कहती है कि नहीं, अनवी तो बेचारी अकेली है लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे उसके लिए परमिशन लेनी होगी। कोई बात नहीं, अनवी अपने आप डील कर लेगी, जाने दो, तुम अपनी कोचिंग में जाओ। रुद्राक्ष की आदत यहाँ पर आपको सारांश में नज़र आने वाली है और वो प्रिशा के मना करने के बावजूद भी एकदम हीरो की तरह एंट्री लेगा और अनवी को उन लड़कों से बचाएगा और कहेगा तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी बहन है, उसे छोड़ो। अनवी कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है सारांश, तू जा। यहाँ पर सारांश को वो लड़के कहते हैं कि अच्छा तू तो खुद इतना सा है, तू हमारा क्या करेगा। सारांश उन लड़कों को मारने पीटने लगता है और अनवी को बचाता है और अनवी भी कहती है कि मेरे भाई को छोड़ो, तो वहीं सारांश कहता है मेरी बहन को छोड़ो। सारे लड़के भाग जाते हैं और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तू ठीक है, तू ठीक है। अनवी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तूने मेरे को क्या बोला, अपनी बहन। सारांश कहता है हाँ तू मेरी बहन ही तो है और वैसे भी मैं तुझे परेशान कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अनवी कहती है तो फिर तू भी मत किया कर। सारांश कहता है कि मैं तो तेरा भाई हूँ, भाई तो बहन को परेशान करते ही हैं, लेकिन मैं किसी और को परेशान नहीं करने दूंगा तुझे क्योंकि तू मेरी बहन है। चल तेरे बाल खराब हो गए हैं, मम्मा से मैं तेरे बाल ठीक करवा देता हूँ। प्रिशा के सामने वो दोनों हाथ पकड़ कर आते हैं और दोनों के दोस्त से देखकर प्रिशा सुपर इमोशनल हो जाती है। सारांश कहता है
मम्मा मेरी बहन के बाल ठीक कर दो, इसको कोचिंग जाना है, ये सबसे प्रिटी लगनी चाहिए। तो वहाँ पर अनवी भी कहती है कि और मेरे भाई के कपड़े ठीक कर दो, इसकी ड्रेस ख़राब हो गई है। प्रिशा सारांश के कपड़े ठीक करती है, अनवी के बाल बनाती है और दोनों को भेजती है और समझाती है कि देखो तुम दोनों भाई बहन हो, भाई बहन में झगड़ा होता रहता है लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है और एक दूसरे से प्यार से रहना है। यहाँ पर प्रिशा उन्हें गले लगाती है और कहती है देखो अनवी अपने भाई से और सारांश अपनी बहन से कितना प्यार करता है, तो सोचो मम्मा आप दोनों से कितना प्यार करती हैं। यहाँ पर फाइनली सारांश अनवी की दोस्ती हो जाती है और प्रिशा बहुत खुश हो जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही प्रिशा घर पहुँचेगी, रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठा होता है अपने कमरे में और सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मैं एक महीने के लिए अलग रहूँगा प्रिशा से। और यहाँ पर प्रिशा रास्ते में सोचती है कि कैसे उसने उन बड़े बच्चों को चॉकलेट ट्रीट और उनसे हेल्प मांगने के लिए रिक्वेस्ट की थी ताकि वो अनवी को जानबूझकर परेशान करें और सारांश और अनवी की दोस्ती हो जाए। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी। घर जाते ही प्रिशा रुद्र से कहती है तुमने मुँह क्यों फुला रखा है, तुमने देखा अनवी और सारांश कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। रुद्राक्ष जवाब नहीं देता और कहता है कि मेरा मूड ख़राब है। प्रिशा कहती है अब तो तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सर्ट से कमबैक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। रुद्र कहता है कि क्या अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर एक महीने के लिए मैं जाऊँगा तुम सबसे दूर, ना तुम होगी ना सारांश ना माँ, मैं कैसे रहूँगा तुम सबके बिना। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष करियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा तुम अपनी बताओ, तुम मेरे बिना एक महीना यहाँ रह लोगी। प्रिशा रुद्राक्ष से मज़े लेती है और कहती है कि हाँ मैं तो यहाँ रह लूँगी क्योंकि मेरे पास तो यहाँ माँ है, सारांश है, सब कुछ है, तो मुझे क्या ज़रूरत। फिर वो रुद्राक्ष को इतना ज़्यादा छेड़ती है, परेशान करती है और फाइनली बातों बातों में कह देती है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। रुद्राक्ष को पहले यकीन नहीं होता, वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, मुझसे मज़े ले रही हो। लेकिन प्रिशा उसे सच का एहसास करवाती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और रुद्राक्ष बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू सो मच और उसको हग करता है, बहुत सारी किसेस करता है और कहता है कि मैं जल्दी से जाता हूँ और जाकर के पैकिंग करता हूँ। प्रिशा यहाँ पर बहुत खुश होती है और अपनी पैकिंग शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे एक नाइटी मिलती है और उसके उठाकर के नाइटी को वो रुद्राक्ष के बारे में सोचती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे हस्बैंड। तभी रुद्र एंटर करता है कमरे में और कहता है कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्या बात कर रही थी और क्या छुपा रही हो। वो प्रिशा के हाथ से नाइटी छीन लेता है और उसे टीज करता है और कहता है कि क्या तुम ये पहनने वाली हो, यानी कि तुम तो मेरी इस ऑफिशियल ट्रिप को हनीमून ट्रिप बनाने वाली हो। प्रिशा कहती है कि हाँ लेकिन ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन तुमने स्पॉइल कर दिया। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत सारी रोमांटिक बातें करता है, प्रिशा को हग करता है और कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं तो वेट भी नहीं कर सकता कि शिमला में मैं कब जाऊँगा और कब ये ट्रिप स्टार्ट होगी। उधर दिखाया जाएगा कि अरमान से कुछ बात करने के लिए चाचा जी उसके कमरे में घुसेंगे और अरमान को पैकिंग करता देख पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरमान कहेगा कि मैं शिमला जा रहा हूँ, चाचा जी उसे जाने की वजह पूछेंगे। यहाँ पर वो थोड़ा सा प्लान रिवील करते हुए कहेगा कि जो मैं प्रिशा और रुद्राक्ष की शादी में नहीं कर पाया मैं वो अब करूँगा, मैंने बहुत दूर की प्लानिंग की है। चाचा जी कहते हैं कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष शिमला पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर रुद्राक्ष हनीमून स्वीट्स की बुकिंग करवा चुका होता है और प्रिशा के साथ सुपर रोमांटिक अंदाज में आपको वो नज़र आने वाला है। यहाँ पर जैसे ही प्रिशा और रुद्राक्ष अपने हनीमून स्वीट्स की चाबी लेकर अपने कमरे में जा ही रहे होते हैं तभी रिसेप्शनिस्ट आवाज़ लगाकर कहती है वेलकम मिस्टर एंड मिसेज अरमान, और ये देखकर रुद्राक्ष शॉक में आ जाता है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, अरमान कहता है कि मैं यहाँ प्रिशा के लिए आया हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे। अरमान कहेगा कि एक्चुअली अनवी को इसने बिल्कुल पहले जैसा बना दिया है और उसने कहा कि सारांश मेरा भाई है, मुझे उसी के साथ रहना है और मैंने शारदा जी से भी बात की तो उन्होंने कहा अनवी यहाँ रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और सानिया थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और हमारे रिश्ते को एक नया मौका दिया जाए। यहाँ पर रुद्राक्ष मनीमन सोचता है और कहता है कि अरमान का चक्कर क्या है, जब भी मैं और यहाँ पर प्रिशा एक दूसरे के करीब जाते हैं या कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं ये हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाता है। अरमान कहता है कि चलो इस बहाने हम चारों अपना हनीमून ट्रिप एंजॉय करेंगे। रुद्राक्ष यहाँ पर अरमान के साथ एंजॉय करने से मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों अपने हनीमून पर आए हैं, आई होप यू डोंट माइंड। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है तो हम मिलते हैं बाद में कभी, लेकिन अभी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और प्रिशा और अरमान एक दूसरे को देख कर बड़ा ही शॉकिंग सा लुक देते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे आपको नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।